तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि फ़्लाइट टिकट बुक कैसे करें। अगर आप भी कहीं ट्रेवल करना चाहते हैं, अगर आप एक जगह से दूसरे जगह जाना चाहते हैं, तो आप फ़्लाइट का टिकट कैसे बुक कर सकते हैं। फ़्लाइट का टिकट बुक करने के लिए या तो आप फ़्लाइट के काउंटर पर जाते हैं, या तो आप मोबाइल से भी कर सकते हैं। तो आज हम आपको बताएँगे कि घर बैठे हुए आप अपने मोबाइल से ऑनलाइन जो कि फ़्लाइट टिकट बुक कर सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे और दिखाएंगे कि ताकि आप अपना फ़्लाइट टिकट बुक कर सकते हैं। अगर आपको कहीं जाना हो और कहीं आना हो, तो आप घर बैठे हुए जो कि फ़्लाइट टिकट जो कि बुक कर सकते हैं। इसके लिए आपको फ़्लाइट टिकट काउंटर पर जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको लंबी लंबी कतार में लगने की ज़रूरत नहीं है। आप कहीं भी हैं, किसी भी जगह आप घर बैठे हुए आप फ़्लाइट का टिकट बुक कर सकते हैं। अगर आपको कहीं जाना है, ट्रेवल करना है, तो उस सिचुएशन में आप जो कि फ़्लाइट टिकट बुक कर सकते हैं। कैसे फ़्लाइट टिकट बुक कर सकते हैं, तो उसके लिए एक पहले एप्लीकेशन आता है जिसका नाम है IRCT, जो कि हमारे पास यहाँ एप्लीकेशन है जो कि हम आपको दिखा देते हैं। वो आपको ओपन करना होगा, तो आप जो कि इसे डाउनलोड करना होगा, तो आपको प्ले स्टोर में आ जाना है और यहाँ आपको लिखना है जो कि IRCTC, आपको लिख कर सर्च कर देना होगा। यही आपका देखिए लोगो देखने को मिल जाती है, ये आपका एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन के माध्यम से जो कि IRCT एप्लीकेशन से आप फ़्लाइट टिकट बुक कर सकते हैं। कैसे करना है वो हम आपको रियलिटी और लाइव करके दिखाने वाला हूँ। तो क्या करते हैं, हम यहाँ से ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद कुछ इस तरह से पेज मिल जाती है देखने के लिए। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं फ़्लाइट का एक लोगो मिल जाती है, यहाँ से फ़्लाइट टिकट बुक कर सकते हैं। कैसे बुक किया जाता है इस वीडियो में हम पूरा दिखाने वाले हैं और आपको लाइव बताने वाले हैं। तो इस वीडियो को थोड़ा सा भी मिस मत कीजिएगा। अगर थोड़ा सा भी मिस करते हैं तो आप इस वीडियो में जो कि फ़्लाइट टिकट बुक नहीं कर पाइएगा। तो आप बार बार लोग बहुत से लोग कमेंट करते हैं, तो चलिए हम क्या करते हैं इसे ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद कुछ इस तरह से आपको पेज दिख जाएगा। उसके बाद आप देख सकते हैं कहाँ से कहाँ तक आपको जाना है। देखिए तो आपको देखिए, हम मुंबई से जो कि पटना जाना चाहते हैं, हम क्या करेंगे, यहाँ हम पटना पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पटना, हम अपना पटना, उसके बाद अपना डेट दे देना है टाइम की कब से कब जाना है। तो हम यहाँ 9 तारीख कर देते हैं। उसके बाद सारा चीज़ देने के बाद हम क्या करेंगे, सर्च पर क्लिक कर देंगे। उसको जितने आपके फ़्लाइट कल के हैं, जितना आपका टाइम है, सारा चीज़ टाइम यहाँ शो हो जाती है। आप देख सकते हैं, मैं आपको थोड़ा दिखा लेता हूँ अच्छे से, ताकि आप देखिए यहाँ एयर इंडिया मिल जाती है आपको 21:35 यानी 21 बजे आपका फ़्लाइट है, जो कि आपको यहाँ देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक आपको इतना छोड़ेगा। आपका पैसा चार्ज देखिए, यहाँ 6,636 रुपये आपका चार्ज है, यानी पैसा आपको पे करना पड़ेगा। और आपको टिकट बुक कराइए, कोई पैसा नहीं पे होता है, कोई पैसा चार्ज नहीं लगता है। सिर्फ आपको जो कि जाने के लिए पैसा, जो फ़्लाइट का टिकट होता है, जो उसी का पैसा आपको यहाँ देना पड़ता है, ठीक है। और यहाँ बहुत सारे जो कि फ़्लाइट हैं जो कि अलग अलग टाइम पर, जिस टाइम पर आप जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं, ये कह रहा है कि वन स्टॉप, देखिए यहाँ कह रहा है वन स्टॉप, यहाँ वन स्टॉप लिख रहा है, यानी एक ही जगह मतलब रुकेगा। यानी अगर मुंबई से उड़ान भरती है तो आपको डायरेक्टली पटना छोड़ेगी, तो ये लिख दिया है इसमें भी आपको कि एक स्टॉपेज। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, तो जो भी आपको जिस जाना है, जैसे जैसे जिस टाइम पर आपको जाना है, वो आपको टाइम देख लेना है। सारा चीज़ यहाँ आपको टाइम बॉट ये सारे चीज़ मिल जाते हैं। तो चलिए हम क्या कर लेते हैं, जो कि हमें टिकट जो कि अब फ़्लाइट का बुक करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ आपको मिल जाती है ऊपर वाले एयर इंडिया पर, हम क्या करेंगे, यहाँ बुक का एक ऑप्शन मिलती है। देखिए यहाँ बुक का एक ऑप्शन मिलती है, तो हम बुक वाले पर क्लिक कर देंगे। अब जिस भी बुक वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो थोड़ी देर वेट कर लेंगे। और देखिए ये कह रहा है यूजर आईडी और पासवर्ड आपको यहाँ डालना होगा, जो कि आप जब भी IRCT एप्लीकेशन को ओपन कीजिएगा तो आपको यूजर आईडी और पासवर्ड बनाना पड़ता है। तो वही आपको यहाँ जो कि यूजर आईडी और पासवर्ड आपको डालना पड़ता है। तो चलिए हम यूजर आईडी पासवर्ड डालकर और यहाँ से क्या करते हैं, लॉगिन पर क्लिक कर देते हैं, यानी लॉगिन हो लेते हैं। उसके बाद यहाँ जिसे यूजर आईडी डालते हैं, उसके बाद यहाँ देख सकते हैं आपको मिल जाती है पूरी डिटेल्स। मिलने के बाद आपको यहाँ आपको मिल जाती है, देखिए आप सामान कितना से कितना तक फ़्लाइट में ले जा सकते हैं। तो आपका सामान का यहाँ वजन वेट आपका जो भी है यहाँ दे देता है। देखिए 12-25 kg से 7 kg तक आप ले जा सकते हैं, इससे आप बेसी नहीं ले जा सकते हैं, ठीक है। चेकिंग बैग 8-25 kg और कैबिन बैग यानी 7, तो आप जो कि इतना ही ले जा सकते हैं। इससे आप बेसी ले जाते हैं तो आपको चार्ज देना पड़ेगा, या तो वहां से आपको निकाल दिया जाएगा और बोला जाएगा कि इतना ही आपको सामान ले जाना है। आपको आप फ्लाइट में ज़्यादा सामान नहीं ले जा सकते हैं ट्रेवल।
उसके बाद यहाँ आपको कुछ इस तरह से मिल जाती है, जिसे डालने के बाद फिर आपको इस पर क्लिक कर देना होगा। क्लिक करने के बाद अब आपको देखिए सारा यहाँ आपको बैग से लेकर 15 kg से लेकर हर चीज़ आपको दे दिया। उसके बाद आपको क्या करना होगा, यहाँ आपको एक कंटिन्यू का ऑप्शन मिलती है, यहाँ आपको कंटिन्यू का ऑप्शन मिलती है, इस कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना होगा। और कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो फिर एक बार और कंटिन्यू पर आपको क्लिक करते चले जाना है। चलिए हम यहाँ कंटिन्यू पर क्लिक करके उसके बाद यहाँ आपको टिक लगा देना है, कंफर्म फॉर्म दम यहाँ आपको इस पर क्लिक कर देना होगा। क्लिक करने के बाद यहाँ आपको देखिए फर्स्ट नेम आपको डालना होगा, देखिए यहाँ आपको फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मिडिल नेम, ईमेल आईडी, और ये आपको डालने के बाद यहाँ नीचे आपको सेव चॉइस का ऑप्शन मिलती है, तो आप ये डाल दीजिए। उसके बाद हम यहाँ नेम डाल देते हैं कुछ, जैसे आपको आरती कुमारी। उसके बाद लास्ट यहाँ हम क्या करेंगे, कुमार को हटा कर यहाँ से और यहाँ कुमारी डाल देंगे अथी यहाँ। उसके बाद यहाँ मिडिल नेम है तो छोड़ दिए, या तो आप यहाँ से ईमेल आईडी डाल दीजिए, जैसे हम डाल देते हैं कोई ईमेल आईडी। डालने के बाद अब आपको अब क्या करना होगा, उसके बाद यहाँ आपको टिक लगा देना होगा। टिक लगाने के बाद यहाँ मिडिल नेम सेव चॉइस पर क्लिक करने के बाद यहाँ आपको फिर कंटिन्यू के नीचे ऑप्शन मिलती है, तो कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना।